जगदलपुर कंगोली का एक बड़ा खुलासा प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें दलित समाज के परिवार सुखराम का निजी जमीन को पटवारी प्रदीप पांडे द्वारा कब्जा करने की बात को लेकर न्यूज प्रकाशित किया गया था, जिसे देख दलित समाज के अध्यक्ष एवं उनके कार्यकर्ता द्वारा इस खबर को देख पूरे समाज में दया की भावना जाग उठी और फिर से दलित यानी कि महाराज समाज फिर अपना कमर कस ली है और हो रही महाराज समाज के ऊपर अत्याचारों को मिटाने की कसम खा लिए हैं। अब नहीं होगा दलित समाज यानी महाराज समाज के ऊपर अत्याचार, चाहे कुछ भी करना पड़े समाज में किसी प्रकार के ऊपर अत्याचार हुआ यानी कि महाराज समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, सुखराम कश्यप का अत्याचार देख महरा समाज अपना समाज को इकट्ठा कर एक बैठक बिठाई गई, जिसमें सुखराम कश्यप के यहां हो रहे अत्याचारों के ऊपर नाराजगी जताई। साथ ही साथ पटवारी प्रदीप पांडे द्वारा सुखराम कश्यप के निजी को लेकर के कब्जे को छुड़ाने की बात कही गई और साथ ही साथ शासन प्रशासन को ऐसे अत्याचारों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा दलित समाज यानी कि महाराज समाज फिर से पूर्ण आंदोलन करेगा और महाराज समाज के ऊपर अत्याचार का कड़ी निंदा करते हुए शासन प्रशासन की इसकी न्याय दिलाने की बात कही गई। न्याय दिलाने में साथ रहेंगे। देखिए, बस्तर में जो एक्चुअली में वर्तमान में जमीन की लड़ाई हो गई है और महारा समुदाय एक जनरल कैटेगरी में होने से हर किसी का नज़र महारा समुदाय के भूमि पर हो गया है। तो अभी मामला प्रकाश में आया है कि ग्राम कांगोली जगदलपुर में जो सुखराम कश्यप नामक जो व्यक्ति हैं उनका जो कृषि भूमि लगभग 9 और 4 यानी कि 13 एकड़ भूमि कुल भूमि में से इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन जो है इनके पिता 1991 में विक्रय किया था। तो जहाँ विक्रय किया वहाँ क्रेशर मशीन स्थापित किए हैं, लेकिन आज कालांतर में जो है इनके पास जो शेष जो बचा भूमि 2 एकड़ बिकने के बाद तो 11 एकड़ होना चाहिए पहली बात। तो वर्तमान में जो खड़ी फसल में जहाँ फसल है वहाँ जाके पटवारी जो है जा करके आप अन्य लोगों को ले जा करके जिसको प्रदीप पांडे कह रहे हैं हमको नहीं मालूम कौन है, तो वो जा कर खम्भे गाड़ रहे हैं। एक तो सबसे पहले है कि वो उल्लंघन कानून का टोटल, जहां फसल खड़ी हो वहां पर किसी भी तरह का न सीमांकन किया जा सकता है न कोई खम्भा गाड़ सकता है। तो आज वो गुहार लगाए हैं प्रार्थी सुखराम कश्यप महारा समाज से संपूर्ण बस्तर संभाग से कि मेरे साथ जो छल हुआ है धोखाधड़ी हुआ है, तो इसके लिए हम लोग पूरा महारा समाज जो है आज हम बैठे हैं और हम पूरे दस्तावेज देख रहे हैं। 2 एकड़ बिकना दिख रहा है तो हम उस 2 एकड़ पर नहीं जाना चाहेंगे, परंतु आज जो वर्तमान में उनके पास जो ऋण पुस्तिका है उसमें राजस्व अधिकारी कर्मचारी जो भी होंगे तो उन्होंने लिख दिया है कि इनके पास डबल पट्टा उन्हें निरस्त किया जाता है। और वर्तमान में भू अभिलेख में इस प्रार्थी के पास ये पीड़ित के पास किंचित मात्रा में भूमि नहीं है, जबकि ये वर्तमान में कृषि भी किए हुए हैं फसल भी है। तो इस तरीके से इनके भूमि के मतलब इस व्यक्ति के साथ छल किया जा रहा है तो हम बख्शेगी नहीं हमारा समाज और सर्व आदिवासी समाज संपूर्ण बस्तर मूल समाज के लोग मिलकर के इस मामले को लेकर हम सड़क में भी लड़ेंगे, न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ये हमारे साथ अन्याय है। ये एक तो एकमात्र उदाहरण तौर पर है, लेकिन संपूर्ण बस्तर संभाग में बहुत से मामले हैं। तो हम लोग जमीन से एक प्रकार काम को सबसे पहले बेदखल किया जा रहा है, इसको लेके हम लोग संघर्ष करेंगे। आज हमारे समाज के सभी प्रतिनिधि आज आए हुए हैं, हम जमीन के लिए किसी भी हद तक के हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, चाहे उसका परिणाम जो भी हो हम पीड़ित को न्याय दिला के ही। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन